सब बैच के लिए एक ही वीडियो है, अलग अलग नहीं होगी। कल आपको बताया गया था इलेक्ट्रिक के टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क हो गया था, मैग्नेटिक मोमेंट भी हो गया था। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, जो कल वाला रिकॉर्डिंग डाल दी है देख लीजिए, ठीक है। एक ही क्लास में रिकॉर्डिंग कर रहा सारे बैच देख रहे हैं, ये माइक वाला बहुत झमेला है, उसको हटा देते हैं, उसमें जोड़िए मिलाइए बहुत। आज आपको निकालना है फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ मैग्नेट इज टेकन अंडर द गिवन मैग्नेटिक फील्ड रीजन। जैसे आप एक मैग्नेट को ले रहे हैं, कहां पर ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में। मैग्नेटिक फील्ड रीजन में कल आपको बताया गया था कि मैग्नेटिक टॉर्क जनरेट होता है, क्या मैग्नेटिक टॉर्क जनरेट होने के पीछे क्या रीजन है, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा आपका, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से रोटेशन होता है। जैसे आप इस मैग्नेट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट करेंगे, माने कि फील्ड यहाँ से जनरेट किए, इसको फोर्स लगेगा, एक पॉजिटिव ही लगेगा आपका नेगेटिव है, एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स ऐसे लगेगा, है ना, जिसके वजह से क्या होगा, रोटेशन होगा। तो रोटेट होने की वजह से क्या होता है, चेंज इन पोजिशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होगा, वर्क डन भी होगा वहां पर, उसी वर्क डन को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी स्टोर करेगा वो, जैसे ही पोजिशन चेंज करेगा एनर्जी आपका स्टोर करेगा, वहां पर वर्क डन होगा, उसी वर्क डन को आप क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप मैग्नेट को ले रहे हैं इस तरह से, ये मैग्नेट है आपका, साउथ पोल और नॉर्थ पोल को लिया गया है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड रीजन आपका होगा नॉर्थ से साउथ की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का रीजन होगा नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है। और एक मैग्नेट आप ले रहे हैं जिसका पोल स्ट्रेंथ होगा आपका एम, ये मैग्नेट आप ले रहे हैं, बार मैग्नेट है आपका, ऐसे कोई भी मैग्नेट आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इसे एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, और इस पर जो फोर्स लगेगा आपका, इसका मतलब नॉर्थ पोल है तो इसका पोल स्ट्रेंथ होगा एम, इसका फोर्स कितना लगेगा एम बी, है ना, पॉजिटिव पोल है आपका तो एम बी, अगर इस तरफ है तो नेगेटिव साउथ पोल होता है नेगेटिव पोल, जिसका पोल स्ट्रेंथ कितना होगा एम बी लेगा माइनस एम, जिसका जो होगा मैग्नेटिक फोर्स का कितना होगा एम इक्वल टू माइनस एम बी फैक्टर, ठीक है, ये आपका प्लस एम बी फैक्टर है और ये माइनस एम बी फैक्टर है। ये मैग्नेट जो है आपका ये रोटेट करेगा, मैग्नेट क्या करेगा, रोटेट करेगा, रोटेशन जो होगा आपका, तो रोटेशन की वजह से क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपको बताया गया था फर्स्ट चैप्टर में याद होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें इलेक्ट्रिक टॉर्क निकाले थे आप, जैसे फोर्स लगाने के बाद क्या होता है रोटेशन हो रहा था, इलेक्ट्रिक टॉर्क, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम वर्क डन बोलते हैं रोटेशन के केस में, ठीक है ना। लीनियर केस में क्या होता है, फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसको वर्क डन बोलते हैं। चेंज इन पोजीशन की वजह से जो वर्क डन होगा उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। वही पोटेंशियल एनर्जी आपको निकाल के बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। इस मैग्नेट में जो रोटेशन होगा, मान लीजिए मैग्नेट है और ये रोटेट कर रहा है, रोटेट किया मान लेते कि डी थीटा से, रोटेट कितना से क्या डी थीटा से, ठीक है ना। तो डी थीटा मतलब स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट है आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा स्मॉलेस्ट होगा, कम होगा यहाँ पर। तो हियर
given a magnet which is taken under the given magnetic field region, magnetic field region इसको लिया गया है, ठीक है ना, and due to magnetic force which is acting on the bar magnet angular displacement is appeared, and this is d theta. मान लीजिए रोटेट कर रहा है तो एंगल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, d theta होगा आपका, ठीक है ना, एंड मैग्नेटिक टॉर्क जो इसका है, जो पिछले क्लास में बताया गया था, मैग्नेटिक टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन द गिवेन मैग्नेट इज गिवेन बाय टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी, है ना, इसका वैल्यू होगा आपका एम बी साइन थीटा, ठीक है ना. Then a small amount of work done due to rotation of the magnet is given by, तो dw का जो वैल्यू होगा tau d theta होगा. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या हो रहा है आपका रोटेशन हो रहा है, ठीक है ना, रोटेशन होगा तो वहां पर क्या होगा, पोजीशन चेंज करेगा मैग्नेट का, टॉर्क की वजह से ऐसा होगा, टॉर्क वहां जनरेट होगा, टॉर्क का वैल्यू कितना है, डी डब्ल्यू इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा, ठीक है ना. अगर ये मैग्नेट क्योंकि रोटेशन जो है दिया हुआ नहीं है कितना रोटेट कर रहा है, अगर हम एज्यूम करते हैं कि थीटा वन से थीटा टू अगर रोटेट कर रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ आएंगे तो रोटेट करेगा, 0 से 45 डिग्री, 0 से 90 डिग्री, 0 से 180 डिग्री, कुछ भी तो रोटेशन होगा इसका. इनिशियल एंगल मान लेते हैं थीटा है, अब फाइनल एंगल को मान लेते हैं थीटा 1 एंड थीटा 2 करके लेते हैं, इनिशियल थीटा 1 है और फाइनल आपका क्या होगा थीटा 2 होगा. तो रोटेशन अगर कंप्लीट थीटा 1 से थीटा 2 लीजिएगा तो कंप्लीट वर्क डन होगा, उस कंप्लीट वर्क डन को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना. यहां पर इफ रोटेशन ऑफ द मैग्नेट is from theta 1 to theta 2, then total work done is given by, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों तरफ, है ना, इंटीग्रेट जब कीजिएगा ये जो वैल्यू होगा आपका theta 1 जब होगा आपका रोटेशन, इनिशियल मान लेते हैं यहाँ पर एनर्जी आपका जीरो है, अब फाइनल मान लेते हैं कि थीटा 2 है, यहाँ पर एनर्जी कितना होगा, यू मान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को यू से दिखाया जाता है, तो आप इसको यू ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ऐसे, ठीक है ना. इनिशियल आपका जीरो है, फाइनल आपका क्या है, यू, या इसको यू इनिशियल यू फाइनल भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे यू इनिशियल है, यू इनिशियल जीरो ले लेते हैं, यू फाइनल आपका यू ले लेते हैं, ठीक है ना. यहाँ से आपका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कीजिएगा, यहाँ एक फॉर्मूला आएगा, यही फॉर्मूला आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया गया था, वहां पर याद होगा आप इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में जब आप डाइपोल को रोटेट किए थे तो फॉर्मूला आया था माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, याद है फर्स्ट चैप्टर में, सेम वही फॉर्मूला याद दिया है, मतलब ये डेरिवेशन और वो डेरिवेशन सेम, सिर्फ वहां पर क्यू था यहाँ पर एम आ गया, ठीक है ना. पूरा बोर्ड आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है आपका, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो कितना आएगा, डब्ल्यू जीरो से यू
ठीक है, और एम बी आपका कॉन्स्टेंट है, एम बी को बाहर कर लीजिए आप, एम बी को बाहर कीजिएगा तो थीटा वन से थीटा टू आपका है साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, थीटा वन से थीटा टू माइनस को आप बाहर कर लीजिए, एम बी कॉस थीटा थीटा वन से थीटा टू होगा आपका। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, यू का वैल्यू निकल गया माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ठीक है। यही फॉर्मूला का आया था, याद है आपको फर्स्ट चैप्टर में, माइनस पीई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, सेम फॉर्मूला है ना जी, फर्स्ट चैप्टर में यही डेरिवेशन था आपका सेम, खाली वहां पर चार्ज था यहाँ पर मैग्नेट आप ले रहे हैं, ठीक है। तो ये निकल गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन मैग्नेट, मैग्नेट का आपका पोटेंशियल एनर्जी निकल गया, ठीक है ना। अब इसमें केस वन देखिएगा, केस वन आपका है कि इफ थीटा वन इक्वल टू थीटा और थीटा, थीटा टू का आप थीटा दे दीजिए, थीटा वन आपका है 90 डिग्री, थीटा टू आप थीटा ले रहे हैं, ठीक है ना, और थीटा वन को कितना ले रहे हैं 90 डिग्री, ठीक है। मतलब कि मैग्नेट जो आपका लिया गया है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है और मैग्नेट को लिया गया इस तरह से, देखिए ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो इसमें थीटा वन कितना है आपका, थीटा वन है 90 डिग्री, पहले एंगल 90 बना रहा है और फिर ये रोटेट कर रहा है इस तरह से, अब रोटेट करके कितना एंगल बना रहा है, थीटा टू आपका है थीटा, ठीक है ना। तो वैल्यू जो आएगा पोटेंशियल एनर्जी का कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा आपका माइनस एम बी कॉस थीटा टू, मतलब कॉस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस 90 डिग्री, ये वैल्यू आ जाएगा आपका एम बी कॉस थीटा माइनस जीरो माइनस एम बी कॉस थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस एम बी कॉस थीटा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होगा माइनस एम डॉट बी, ये निकल गया आपका पोटेंशियल एनर्जी डॉट प्रोडक्ट, सेम एक फॉर्मूला वहां भी निकाले थे याद है, पी डॉट ई है ना, एम गया पर पी और बी गया पर ई था, ठीक है ना। केस टू देखिएगा, इफ थीटा वन इक्वल टू आपका है 90 डिग्री और थीटा टू इक्वल टू आपका है 0 डिग्री, मतलब कि थीटा वन थीटा टू, थीटा वन कितना आपका 90 डिग्री, थीटा टू आपका है 0 डिग्री, इसमें निकालिएगा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू, माइनस एम बी कॉस थीटा टू थीटा पर 0 लीजिएगा और कॉस थीटा वन के यहाँ पर कितना लीजिएगा 90 डिग्री, ये वैल्यू आएगा आपका एम बी कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 90 आपका 0, ये वैल्यू हो जाएगा माइनस एम बी, ये मिनिमम वैल्यू है, ये क्या आपका है मिनिमम वैल्यू, मतलब आप थीटा 1 को 90 लीजिएगा और थीटा 2 0 लीजिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा मिनिमम आएगा, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा मिनिमम आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपका केस थर्ड है, इफ थीटा वन इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा टू का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, थीटा वन 0 है थीटा टू कितना है 90 डिग्री है, जिसमें वैल्यू निकालिएगा ये आ जाएगा आपका एम बी कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री, ये वैल्यू आ जाएगा माइनस एम बी कॉस 0 0, कॉस 90 0 होता है, कॉस 0 कितना होता है 1, ये वैल्यू आपका आ जाएगा एम बी माइनस 1 मतलब प्लस एम बी, प्लस एम बी का मतलब क्या हो गया मैक्सिमम, पॉजिटिव है तो क्या होगा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम
आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है ना। आपका रेंज अगर पूछा जाए कि रेंज इसका कितना होगा, इसका रेंज होगा माइनस एनबी से एनबी के प्लस एनबी के बीच में होगा। ये रेंज हो गया आपका, जिसको ऐसे दिखाया जाता है रेंज को, माइनस एनबी टू प्लस एनबी, ठीक है ना। ये रेंज हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का, रेंज होगा माइनस वैल्यू जो भी रहेगा आप रख लीजिएगा आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आ रहा है इसमें फर्स्ट के कितना आंसर है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अब मैग्नेटाइज नीडल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, एक मैग्नेटाइज नीडल है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट एम का वैल्यू दिया हुआ है 4.8 इंटू 10^4 जूल पर टेस्ला, ठीक है ना। इज प्लेस्ड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड, फील्ड से कितने एंगल पर रखा गया है 30 डिग्री पर, है ना। इसके बीच में एंगल जो आपका है 30 डिग्री है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3 × 10^-2 टेस्ला। What is the torque acting on the needle? नीडल पर टॉर्क कितना जनरेट होगा, टॉर्क निकालना है तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है एमपी साइन थीटा। एम का वैल्यू कितना है आपका 4.8 × 10^4 और बी का वैल्यू कितना है 3 × 10^-2 और एंगल कितना है आपका साइन 30 डिग्री। तो ये वैल्यू सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा 7.2 × 10^-4 न्यूटन मीटर, और कैसे न्यूटन मीटर होता है, ठीक है ना। सेकेंड जो क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। और अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 0.2 टेस्ला, ठीक है ना। एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, टॉर्क कितना एक्सपीरियंस कर रहा है ये, तो टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ है 0.06 न्यूटन मीटर, ठीक है ना। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, एम का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है एम बी साइन थीटा, है ना। तो आपका एम का वैल्यू निकालना है तो टॉर्क टाउ बाई बी साइन थीटा, तो टॉर्क का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.06 और बी का वैल्यू कितना है 0.2 साइन 30 डिग्री, साइन 30 है 0.6 0.6 0.2 साइन 30 कितना होता है 1/2, इसलिए कट गया 0.1 डिवाइड किए तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 6/10 0.6 हो जाएगा। एम का वैल्यू हो गया 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि फाइंड आउट व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेट कोरिस्पोंड टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट को कैसे रखा जाए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा वो, ठीक है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब एक मैग्नेट है आपका, जैसे मैग्नेट है ये साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है, ठीक है ना। साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में लेना होगा जिधर आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है, पैदल लेना पड़ेगा, है ना। मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल को जो आप लेंगे इस हिसाब से लेंगे कि ये पैरेलल होना चाहिए बी वेक्टर से, जब बी वेक्टर से पैरेलल होगा तो इसमें रोटेशन होगा, रोटेशन नहीं होगा क्योंकि थीटा जीरो आ जाएगा तो नेट टॉर्क कितना होगा, नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा तब इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करेगा ये, ठीक है ना। नेट टॉर्क जीरो होगा तो रोटेशन नहीं हो सकता है, और रोटेशन नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, है ना। रोटेशन होगा तो इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता है, तो आपको मैग्नेट को आपको लेना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में, जहां मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा पैरेलल होगा, ठीक है। तो आज इतना ही बात है, सुनने के लिए बस किया है हमका क्या है? क्या कल से